शिमला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद काफी लंबे समय से चल रही है। स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन शिमला शहर में फैली गंदगी और फटते सीवरेज के पाइप स्मार्ट सिटी के दावे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। प्रदेश के इकलौते मातृ शिशु कमला नेहरू अस्पताल के पास फटा सीवरेज पाइप जहां राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना है, वहीं अस्पताल के नजदीक बहता सीवर का यह पानी लोगों को बीमार व स्मार्ट सिटी के ख्वाब को चकनाचूर कर रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अस्पताल के पास इस तरह की परिस्थिति होने से न केवल अस्पताल के मरीजों और तीमारदारों को, साथ ही राहगीरों को भी इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, है और इतनी जनता आती जाती है तो बहुत गंदा है, है और पांव में भी लगता है, स्मेल भी, बच्चे चलते हैं, है तो उसकी वजह से है कि इसका प्रशासन को तो करना चाहिए। मेरे को भी हफ्ता हो गया इसको देखते हुए, है मैं भी यहीं से आता जाता हूँ। तो इसकी वजह सरकार से भी स्पष्ट है कि इसको कराया जाए ठीक है। जहाँ तक इस सीवरेज के ओवरफ्लो की बात है, ये आज की बात नहीं, कोई पिछले दो हफ्ते से ज़्यादा ये बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, वहाँ सारे डॉक्टर जाते हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जाते हैं, लोग गणमान्य लोग आते हैं और लेडीज़ प्रसूति हेतु वहाँ आती हैं, तो किसी ने कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं की है। ओवरफ्लो कर रहा है वो, और प्रशासन भी सोया है, जिनके अधीन वो कार्य आता है सीवरेज का, उन्होंने भी कोई देखरेख नहीं की है। और उससे ये खतरा, वहाँ न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, लेडीज होती हैं जिनके प्रसूति होनी है, तो ये संक्रमण फैलने का एक बहुत खतरा। और जो रास्ता है बिल्कुल मेन गेट पे, वो सड़क पे ओवरफ्लो है, तो आते जाते लोगों को भी कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का चांसेस बने हैं। साथ में दुकानें हैं, खाने पीने वाले हैं, वहाँ चाय वाय वाली दुकानें हैं, तो ये सारी जगह जो है इतनी गंदगी का अंबार लगा, दुख का विषय। हम प्रशासन से चाहते हैं या कंसर्न डिपार्टमेंट से चाहते उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए और भविष्य में ऐसे ना हो कि अनदेखी हो ऐसी जगह पे विशेषकर। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुभाष चौहान ने कहा कि अस्पताल के पास बार बार ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को दिक्कतें पेश आ रही है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि इसकी प्रॉपर तरीके से चैनलाइजेशन की जाए ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। टाइम टू टाइम जो है ना, जो हमारे पास JEPWD है नितेश जी, उनके माध्यम से MC को इन्फॉर्म करते हैं और बीच में आके वो ठीक भी करते हैं, कई बार ठीक भी किया है, फिर बीच में बार बार ये इस टाइप की घटना घट रही है। और अभी भी मैंने उनको बताया है कि इसको तो परमानेंटली ठीक कर ले, अब हम एक लेटर भी इशू कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बड़ी जल्दी इसको हम दुरुस्त करवा देंगे।